अब देखो मैं बत्ती हेलो करेगी, अरे गुड्डू बेटा मेरा, अब इच्छे भी तो नहीं होगा स्पीक भी करो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पहाल। आज हमारी वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं होप करता हूँ आप सब फिट और फाइन होंगे बिल्कुल। आज की वीडियो मैं थोर की फूड की दिखाऊंगा। दो वीडियो पहले भी आ चुकी, दो तीन वीडियो, बट आज की वीडियो में ना जितने भी आप लोगों के डाउट थे वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अभी अभी सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह का, जैसे आप मेरी शक्ल से देख ही रहे हो। तो सबसे पहले अभी ये घूम के आया बाहर, थोर को बहुत घुमा के लाए, खिला के लाए। उसके बाद अब आपको पहली मिल भी रहा मैं क्या देते हैं, मैं बताना पहली डाइट क्या दे रहे हो अभी। अभी मैं अभी एक्सरसाइज करके और घूम के आया है। अब 10 मिनट के बाद जब ये प्रॉपर इसका जो बैलेंस बन जाएगा बॉडी का, उसके बाद मैं इसको ये पनीर दूंगी। और ये पनीर, ये देखो ये बाउल मैंने इसका पनीर के लिए ही बना रखा है स्पेशल। इसके अंदर एक गिलास दूध का और घर में दही है या लस्सी है उससे मैं इसको फाटती हूँ। और उसके बाद जब हम घूमने के लिए जाते हैं तब मैं ये बना के छोड़ के जाती हूँ। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हम 40 मिनट का घूमने का हमारा राउंड होता है, उसके बाद ये नीचे एक्सरसाइज करता है। उसके बाद अब ये बैठ गया, देखो आप इधर मेरे पास ही बैठे गए, मैं मेरा किचन में काम करूंगी। उसके बाद इसको मिला के फिर ये मैं 10:30 बजे अब इसको खाना देती हूँ। थोड़ा पीछे इसको फिनिश कर दो, उसके बाद इसकी एक चीज और दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे करती है ये आप सोच नहीं सकोगे कि ये डॉगी नहीं है, ये मेरी बेटी है। ये कितनी मेरी बातें मानती है। और देखना एक चीज दिखाऊंगी आप लोगों को। थोरी 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 मेरे तरफ मुंह करो, थोरी मेरे तरफ मुंह करो, मुंह करो बेटा, मम्मा से मुंह साफ कर चुप रहते हैं बेटी मुंह चाह। तो थोर की सेकंड मील है, अब वो बताते हैं। यहाँ से मेरा प्लेस मम्मी ले लेगी, मम्मी बताएगी क्या देते हैं इसको, ठीक है? हम भी क्या दोगे इसको? अब इसको दो रोटी मल्टीग्रेन आटे की, और उसके बीच में है इसके दो अंडे। और इसका भी रीजन है, जब ज्यादा सर्दी थी तो मैं इसको 8 अंडे देती थी, 4 सुबह और 4 रात को। और अब मैंने इसको 2 पर फिर 6 किए और 4 अंडे कर दिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी इसकी दही बढ़ती जाएगी और अंडे कम होते जाएंगे। दही का ये इतना बड़ा बाउल इसको इस टाइम मिलेगा, दोपहर को मिलेगा 2 ढाई बजे के करीब, और रात को फिर पनीर और 2 अंडे चावल और पनीर के साथ। वो मैं आपको दिखा दूंगी। और अब मैं इसका ये दही मिला देती हूँ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी मैं इसके पनीर की मात्रा बढ़ाती जाऊंगी और अंडे कम करते जाऊंगी। और ये एक नॉर्मल सी बात है, जैसे थोड़ी स्टेबल टू गुड बेबी हो ना, अच्छी बेटी है ना मेरी। ये जैसे हम अपने बच्चे के लिए जब खाना नहीं खाता बच्चा, तो हम उसको अपने तरीके से खिलाते हैं, जैसे मर्जी नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी तरह से मैं इसके साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करती हूँ। अब देखो मैं बच्ची हेलो करेगी, अरे गुड्डू बेटा मेरा, अब इच्छे भी करेगा स्पीक भी करो, ये भी सारे बेटे। अब ये ऐसे खाएगा खाना। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि जैसे अब सुबह आप लोग सोचते हैं गर्मी आ गई मैं फिर भी पनीर दे रही हूँ, इसका एक रीजन है। अब जैसे सुबह एक्सरसाइज करके आता है, घूम के आता है, जब अपने बच्चे हैं घूम के आते हैं तो आके हम उसको हैवी डाइट देते हैं और अच्छी डाइजेशन वाली देते हैं। तो इसी तरह से मैं भी अपनी बेटी को हैवी डाइट देती हूँ पनीर, और मैं पनीर ही दूंगी, पूरी गर्मी भी पनीर ही दूंगी इसको मैं, और दही दिन में दूंगी जितना भी दे सकते हो आप। इससे गर्मी से भी बचेगा ये, क्योंकि अब ज्यादा गर्मी की वजह से ये है ना जेब निकालना शुरू करती है इसमें। नाउ इज द टर्न फॉर मील नंबर थर्ड। अब मील नंबर थर्ड की टर्न है। तो ये रहा थोर और मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ। तो अब इसकी मील नंबर थर्ड देते हैं इसको, इसको ये देंगे हम वो दूस। ये तो मेरी है, ये है थोर की। हाँ ये है दही भाई, ठीक है, इसको पतला करा हुआ है। आप दही दे सकते हो या फिर लस्सी होती है, लस्सी दे सकते हो, बट ध्यान रखना लस्सी ना वो खट्टी ना हो और ना दही भी खट्टी हो, फ्रेश होनी चाहिए दोनों चीज आप दे दो, क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो चुकी है भाई, हमारी इधर तो गर्मी ज्यादा हो रही है, होने लगी ना इसलिए। तो अब थोर को अब दही देने, दही से ना ठंडक होती है अंदर। ले भाई थोरू खा ले बेटे,
यार तेरी टेबल तो मैंने नीचे छोड़ा है यार, चल कोई तू यूं खा ले। चलो मैं थोर को एक बार नीचे दे देता हूँ, खा लेगा वैसे। तो थोर दही खा रहे, ये होगी मील नंबर थर्ड। अब आएगी मील नंबर फोर्थ। बीच में ऐसे थोड़ी बहुत ट्रीट आप दे दिया करो, ट्रीट तो नॉर्मल होती है ना, जैसे कोई भी अपनी ये बिस्किट्स आते हैं इनके, या फिर बोन्स होती है वो तो खाते ही रहते हैं, उसको मैं नहीं गिन रहा इसमें। अब मील नंबर फोर्थ दिखाऊंगा रात वाली डायरेक्ट। ये पनीर और चावल है, और ये जो चावल है ना, ये पहले पनीर फाड़ के दूध में उस पनीर में चावल डाल के बनाए हुए हैं, और ये इसके दो अंडे हैं, इनको मतलब ऐसे वो अच्छे से मैश करके देने हैं इसको, तो ये सही खा लेगा। हाँ, और अंडे दो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पनीर दे रहे हैं ना, तो प्रोटीन इतना भी नहीं देना कि ज्यादा हो जाए, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए दो अंडे हैं। अभी इसमें मिक्स होके फिर खिलाते हैं थोर को। तो ये इसका खाना है, ये अंडे का ऐसे लालच में रख रखे हैं कि इनके, इसको पता है कि पहले ये खाऊंगा तो ये अंडे मिलेंगे, तो इस चक्कर में खा जाता है। एक सेकंड में, अब यहाँ पे एक बिल्डिंग मैं बोल दूं, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे डॉग चावल नहीं खाते या कोई पर्टिकुलर चीज नहीं खाते, तो जो इनको पसंद हो ना वो रख लिया करो अलग से, और इन्हें दिखाना कि पहले ये खा फिर मिलेगा। तो हमने ये चीज कर रखी है, थोड़े मतलब ज्यादा इसको भी पसंद नहीं है चावल, पर इसको हम खिला देते हैं क्योंकि जरूरी होते चावल। दूसरी हेलो 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 दे दे हेलो। थोरी सिट, हेलो। नाराज हो गया तेरे से ये, हेलो दे अच्छे से, हेलो कर बस, अब खिलाओ। जैसे अब इसने बीच में छोड़ दिया खाना, मतलब थोड़ा नखरा कर रहा है, तो थोड़ी स्टे स्टे रुक जा स्टो ये सारे मिक्स कर दिए इसके अंदर, देखो अभी ये सारा खा जाएगा। तो भी सारा खाना आराम से खा लेता है, और जैसे ट्यूसडे को ये थोड़ा यूं करता है कि इसको खाना नहीं होता, जैसे अंडे नहीं देती मम्मी इसको ट्यूसडे को, तो इसका पनीर के स्लाइसेस काट के अलग से रख लेते हैं और वो खाने में मिलाते रहते हैं, या फिर जैसे पेडिग्री होगी वो साइड में रख लेते हैं, वो डाल देते हैं, मतलब खिलाना इसको लालच के साथ ही पड़ता है। ठीक है, अब ये टेक्निक मिल गई जो जिसके डॉग चूजी है ना, जो मतलब बता रहे थे मेरे पे भी आए थे एक दो कंसर्न, तो ये ट्रिक करके देखना, ये भी मेरी मम्मी ने ढूंढ के निकाली है। चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और मैं ही कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, चलो बस खत्म करते हैं, बहुत थक गया हूँ भाई बहुत ज्यादा। ओके बाय 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 मानू, बाय थोड़ा तो खाने में।